फिरोजपुर में हुई अकालियों कांग्रेसियों की भिड़ंत के बाद के अकालियों पर हुए पर्चों को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व अकाली दल द्वारा दिए जा रहे धरनों के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरजीत सिंह मान खुलकर बोले। मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के बाद बहबल व गुरदासपुर में युवकों की हत्या के बाद दिए जा रहे धरनों पर सुखबीर बादल बोले थे कि ये जो धरने दिए जा रहे हैं वे वो लोग हैं जिनको कोई भी काम नहीं है, ऐसे ही धरनों पर बैठ जाते हैं। आज जब वह खुद बादल धरने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वह तो नींबू के साथ सूखी रोटी खा रहे हैं, जब मान ने कहा कि जब उनका समय आया तो वह सबको उसी नींबू की तरह निचोड़ कर रख देंगे। इसके साथ ही प्रकाश सिंह बादल के जन्मदिन मनाने पर मान बोले कि आज तक उन्होंने पंजाब के लिए किया ही क्या है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। आज सरदार सुखबीर सिंह धरने के उत्ते बैठे है, उन्होंने कहा है कि जिहड़ी साडे नाल बेइंसाफी कांग्रेस सरकार कर रही है उहदे खिलाफ असीं धरना दिता है। जो मुद्दा है सुखबीर सिंह दा असीं बिल्कुल उहदे नाल सहमत है कि जिहड़ा तुहानूं कागज़ नहीं भरन दित्ते उह कांग्रेस ने बिल्कुल नजायज़ कीता है। पर जदों तुसीं सरदारी तुहाडे घर दे विच सीगे उदों तुसीं इहो जिहे काम कीते है। जदों बहबल कलां दे विच दो नौजवान सिख मारते सीगे, जसपाल सिंह मारता सीगा गुरदासपुर दे विच पुलिस तो, ते जिहड़े धरने लग रहे सी सुखबीर सिंह कह रहा सी ये तां वेलड़ बंदे है, इन्हां दीआं तीवियां घर दे विच चीकदीआं कि तुसीं कम नहीं करदे ते धरनिआं नूं चले गए। हुण सुखबीर सिंह दस्से कि तूं वेला आदमी है, हुण पॉपुलैरिटी लैण दे लई इक तां अपनी तली दे उत्ते सुक्की जी रोटी रख ली है ते एक नींबू की फाड़ी रख ली है, तो कहिंदा मैं तो नींबू ते सुक्की रोटी दे नाल रोटी खांदा है। सुखबीर सिंह उस नींबू नाल ना तेनू ते तेरी पार्टी नू सानू जो टाइम मिले नचोड़ देना उस नींबू दे नाल, फिर देखी मजा। हाँ जन्म हुण उन्हां दा जन्मदिन मना रहे है जी अज बादल साहब 90 सालां दा। पर मेरा मतलब कीता कराया बादल साहब ने अपनी सारी उम्र च ना अमरिंदर सिंह ने पंजाब का तो कुछ किया नहीं, पानिया के मसलों के बारे नहीं किया। जिहड़े पंजाबी बोलते इलाके हरियाणा हिमाचल चंडीगढ़ राजस्थान दे विच रह गए है उन्होंने बारे बादल साहब तो सुखबीर सिंह की करनगे। पानिया के मसले उस तरह ही पे है, तो बादल साहब ने तो पैसा लिया सी देवी लाल तो पानिया का मसले नूं ठप करन दा। मेरा मतलब है कि जिन्ना चिर बादल साहब बेशक 200 साल जू लैन तो वह करे कख नहीं, तो फिर जन्मदिन मना नहीं है सानू हैगा। तुसीं कोई कम करो तो असी तुहाडे जन्मदिन ते आईए तो तुहानू बल्ले बल्ले कहीए। तो मेरा मतलब है कि जिहड़े साडे सिख आगू हैगे अज ये बिल्कुल दिल्ली दे गुलाम दलाल ने, जो दिल्ली इन्हां नूं कहिंदी है उस तरह ये बोल दिंदे है। बेशक कांग्रेस पार्टी है बीजेपी सेंटर दे विच है, पर जिवें बादल साहब मोदी साहब नूं जाके गुलदस्ता फुल्लां दा दिंदे सीगे इस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह फुल्लां दा गुलदस्ता दे आउंदे है। मेरा मतलब इन्हां ने अपनी ऑटोनमी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कदे दिखाई हुई नहीं हैगी। तो जे पानिया का मसला हैगा 1966 का जिहड़ा रीओरगनाइजेशन एक्ट है उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं करते, वो सारा कुछ हो जूगा। क्यों करके कॉन्स्टिट्यूशन आप कहती है कि रिपेरियन प्रिंसिपल पानिया का हैगा, जिहड़े सूबे दे विचों नदी बीतती है उस स्टेट का हक है वो पानिया ते। इहदी वजह यह है कि उही नदी उजाड़ भी दिंदी है, तो जे वह उजाड़ दिंदी है फिर उस सूबे नूं उहदा फायदा भी पहुँचना चाहिए।